हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस नवरात्रि एक झाड़ू आपको कैसे बना सकता है माला माल। जी हां दोस्तों, एक झाड़ू जो घर की सफाई करता है वो आपको माला माल भी बना सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक झाड़ू से आप माला माल कैसे बन सकते हैं और झाड़ू के कुछ अचूक टोटके भी मैं आपको बताऊंगा इस उपाय के बाद, जो आपको ध्यान में रखना है जिससे आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी और आप हमेशा पैसे वाले रहोगे, हमेशा माला माल रहोगे। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। इस नवरात्रि को बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। आप एक छोटा सा अगर उपाय करते हो, जो अमावस्या आ रही है 27 मार्च को 10:44 पर, 27 मार्च 10:44 AM सुबह का टाइम है दोस्तों, उस वक्त आपको पुराना झाड़ू फेंक देना है। दोस्तों टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, 27 मार्च 2017 को 10:44 पर ठीक आपको अपना झाड़ू घर से बाहर रख देना है। ऐसा नहीं कि आप फेंक दीजिए कहीं पे, ऐसा मत करिए, घर से बाहर निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और नवरात्रि वाला जो दिन है 28 मार्च 2017 8:27 सुबह के वक्त, मतलब 8:27 इन द मॉर्निंग आपको नया झाड़ू अपने घर में प्रवेश करना है। आपको नया झाड़ू लेकर घर में प्रवेश करना है। अगर ये घर के कर्ता करते हैं इस झाड़ू को लेकर के प्रवेश, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और ये झाड़ू आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों आपको एक ही झाड़ू बाहर करना है और एक ही नया झाड़ू घर के अंदर लाना है इस वक्त। ऐसा नहीं कि घर के सारे झाड़ू आपने एक बार में फेंक दिए और सब घर के एक बार में आपने 4-5 झाड़ू घर के अंदर इस वक्त ले आए। नहीं दोस्तों, एक ही झाड़ू के साथ करना है और अगर हो सके तो वो झाड़ू को हर रोज आपको अपने घर में लगाना है, इससे आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया है नवरात्रि के लिए झाड़ू के उपाय, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सिद्ध और सरल टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं झाड़ू के साथ, जो आपको नॉर्मल डेज में ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कभी भी कोई भी तरह से हम जैसे झाड़ू की हमने निंदा कर दी या झाड़ू को अच्छे से सम्मान नहीं दिया, झाड़ू पर पैर रखा, झाड़ू को उलांगा, ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों घर में। इससे झाड़ू का अपमान होता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर कम हो सकती है, या फिर आपके घर में जो आपके पैसे बन रहे हैं, जो आपके घर में पैसों का स्टॉक है वो खत्म हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को कभी भी उलांगना नहीं है और ना ही झाड़ू के ऊपर से पैर रख कर जाना है या फिर झाड़ू के ऊपर से निकल जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज और मैंने पहले भी कहा है, हमारे वीडियो में पहले भी कहा गया है कि झाड़ू को कभी मेन रास्ते पर मत रखिए। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो उसे उलांग कर जा सकते हैं या उस पर उनका पैर पड़ सकता है, इससे आपके घर में धन हानि हो सकती है। और अपने जो घर में जो आपके यहाँ मेड काम करती है, जो दैया आपके यहाँ काम करती है, उसे भी कह दीजिए कि झाड़ू को उलांगना नहीं है, झाड़ू से पैर अपना साफ नहीं करना है। ये सब बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को सम्मान से रखेंगे तो आपके घर में सम्मान, आपके घर को सम्मान मिलेगा, आपके पैसों में वृद्धि होगी। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों
जिस तरह सूर्य अस्त होता है वैसे ही आपकी तकदीर का अस्त हो सकता है अगर आप शाम के बाद झाड़ू लगाते हो। दोस्तों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, तो भूल करके भी मेरी एक छोटी सी बात माने, हो सकता है कि थोड़ा गंदा रह जाए, लेकिन अगर आपका बेडरूम गंदा है तो उसमें आप ऐसा कर सकते, कपड़े से पोछ सकते हैं कुछ भी गंदगी है तो, लेकिन पूरे घर को झाड़ू पोछा मत लगाइए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर झाड़ू फेरते हैं उसके बाद झाड़ू ध्यान रखिएगा कि फेरने में गीली नहीं होनी चाहिए, गलती से भी नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो मेड काम करती है या आपके घर में जो दैया काम करती है उसे तो आप समझा ही दें। अगर आप अपने घर में खुद झाड़ू पोछा करते हैं तो झाड़ू के वक्त बिल्कुल ध्यान रखें कि जो झाड़ू है वो कोई पानी जैसी गीली चीज में टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा दूर से निकाल लें, फिर पोछे में उसको खींच लें, फिर उसके ऊपर सूखने के बाद झाड़ू मार के फिर से साफ कर ले। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन इससे लक्ष्मी माता नाराज नहीं होगी, और अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आपके घर में धन हानि हो, धन वर्षा जो आपकी हो रही है वो सडनली रुक जाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका तुरंत ही असर दिखने लगता है दोस्तों। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शाम के बाद तो आपको झाड़ू लगाना ही नहीं है और पैर में टच नहीं करना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर गीला है कहीं पे तो वहां से झाड़ू नहीं फेरना है। एक बात और, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके सपनों में झाड़ू आता है। दोस्तों, सपनों में झाड़ू अगर आता है तो इसका संकेत होता है कि धन हानि होने वाली है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा उपाय है, रोज एक दिया जला दे अपने इष्ट देवता के सामने, लक्ष्मी माता को ध्या ले, और जो भी आपकी गलती है, अगर आपने भूल चुक कोई गलती की है उसका आपको एहसास होता है तो उसे सुधारने की कोशिश करें, और रोज प्रे करें कि हे लक्ष्मी माता, हे इष्ट देवता, हे पितर, मेरे से जो भी गलती हुई है उस गलती की सजा मुझे या मेरे परिवार वालों को ना दे, और जो भी गलती हुई है मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, लेकिन जो मेरे ऊपर संकट आया है कृपया मुझे उससे उबार ले, कृपया आप मेरी सहायता करें। देखिए, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो जाती है कभी कभी भूल चूक में, तो वो सब गलतियों का एक ही निदान है कि आप जिन देवता के प्रति गलती हुई है उनका नाम ले, फिर अपने इष्ट देवता का नाम ले, फिर आप अपने पितरों का नाम ले और वो गलती के लिए क्षमा याचना करें। दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा कि बहुत लोग होता है कि झाड़ू को चेंज नहीं करते, वो एकदम सड़ जाती है, गल जाती है झाड़ू, फिर भी झाड़ू को कभी चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, झाड़ू को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। जब आपका झाड़ू खराब हो जाए नया झाड़ू लाना चाहिए, इससे घर में सफाई तो बनी ही रहती है, साथ साथ में लक्ष्मी माता भी आप पर खुश होकर के धन वर्षा करने लगती है, कुबेर महाराज आपसे खुश हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि झाड़ू आपको रेगुलरली चेंज करती रहनी है। अगर झाड़ू अच्छे से झाड़ू साफ नहीं कर रहा है तो चेंज कर लीजिए। चेंज करने में झाड़ू, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप नया झाड़ू ला रहे हैं अपने घर में तो शनिवार से उस झाड़ू का जो बोलते हैं ना स्टार्ट करना होता है, इनॉग्रेशन करना होता है जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका इनॉग्रेशन आप शनिवार के दिन ही करें। इससे लक्ष्मी माता की कृपा पर बनी रहेगी और आप बन जाएंगे माला माल। तो याद रखेगा दोस्तों, जो आज मैंने आपको बताया है ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं, ये आप जब भी चाहे कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ू का तो टोटका है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा,
छोटे छोटे टोटके हैं लेकिन आपको बना सकते हैं माला माल। आखिर में दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर लाइक जरूर करें, ये वीडियो पर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और हम बहुत सारे नए नए टोटके, नए नए चमत्कार और नवरात्रि के उपाय बताने वाले हैं और नवरात्रि कैसे करना है वो सब भी बताने वाले हैं। माता की कृपा रही तो आप भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे और आपके आसपास वाले भी। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखिएगा। आखिर में चलता हूं दोस्तों, जय श्री कृष्ण।